देश में कोविड संक्रमण लगातार तेजी के साथ बढ़ रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 10,158 नए केस मिले हैं। वहीं डेली पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 4.42% हो गई है, जबकि बीते दिन यह आंकड़ा 7,830 पर था। वहीं राज्यवार कोरोना संक्रमण की बात करें तो कई प्रदेशों में संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। राजधानी दिल्ली में कोरोना के सबसे अधिक मामले दर्ज किए जा रहे हैं। यहां बीते 24 घंटे में 1,149 नए मामले सामने आए हैं, जबकि संक्रमण दर 23.8% पर पहुंच गई है। वहीं महाराष्ट्र में एक दिन में 1,115 नए कोरोना केस दर्ज किए गए हैं। इसी के साथ इतने ही समय में उत्तर प्रदेश में 446, राजस्थान में 355, हिमाचल प्रदेश में 441 और गुजरात में 397 नए कोरोना केस दर्ज किए गए हैं। देश में लगातार बढ़ते कोरोना मामलों के बीच एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसमें अगले 10 से 12 दिन काफी अहम रहने वाले हैं। इसके बाद उम्मीद है कि आंकड़ों में गिरावट दर्ज की जाएगी। हालांकि कोरोना संक्रमितों की अस्पताल में भर्ती होने की संख्या बेहद कम है, इसलिए उम्मीद जताई जा रही है कि यह संक्रमण एक लहर का रूप नहीं ले पाएगा। लेकिन इसके बावजूद सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अस्पतालों को एडवाइजरी जारी कर दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के नेतृत्व में देश किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार है।